218 रुपये का बिल बना के दिया। और खाने के हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ये चिकन पॉपकॉर्न। दादा बाइक पार्किंग कत करे ना दादा, कत करे पार्किंग ना? 25 टका। हां 25, 2 घंटा 25। ब्यूटीफुल पीपल्स, तो आज हम लोग आ चुके हैं साउथ सिटी मॉल में लॉकडाउन खुलने के बाद। और क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ मॉल पे क्योंकि मुझे आप लोग को दिखाना है कि लॉकडाउन में मॉल्स वगैरह का सिचुएशन कैसा है। तो कहीं यहाँ पे तो कैमरा करना मना है लेकिन मैं तब भी आप लोग के लिए कर रहा हूँ। तो चलिए आप लोग आपको चल के दिखाते हैं कि क्या सीन है अभी लॉकडाउन के समय मॉल में। भाई भाई लॉकडाउन के समय तो यहाँ पे लोग कम और स्टैचू ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। आप हर समय देख सकते हैं कि हर तरफ स्टैचू ही स्टैचू है। लोग मुश्किल से बहुत ही कम लोग हैं कंपेयर टू नॉर्मल डेज। तो आइए और आगे चल के देखते हैं। मॉल घुसते तक हम लोग सबसे पहले कैफेटेरिया में आ गए क्योंकि हमको भूख लगा है। तो पहले कुछ खाएंगे उसके बाद ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे खाने के लिए क्या क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। KFC, ये रहा पिज़्ज़ा हट, ये रहा सर्वे, ये रहा काजी, मुझे भी नहीं पता काजी क्या है। तो अभी अपन चूज़ करेंगे, नदीम भाई के साथ आए हैं तो अपन अभी चूज़ करेंगे और जाके देखेंगे कि हमको क्या खाना है। फूड कोर्ट में आते संग हम लोग ने सबसे पहले ऑर्डर दिया KFC में। KFC में ऑर्डर देने के बाद सीन ऐसा होता है कि मैं अपना कार्ड दिया लेकिन वहाँ पे दो बार मैंने ट्राई किया, दो बार अपना पासवर्ड मारा लेकिन एक बार भी नहीं लिया पासवर्ड। तो अब भी डर गए भाई, ये ले अब ऑर्डर दे दिए, बेइज्जती हो जाएगा, अब क्या करें। फिर हम लोग आए बर्गर किंग में कि देखिए कार्ड तो ब्लॉक नहीं हो गया ना या तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है ना। तो बर्गर किंग में आए, बर्गर किंग में आके सेम कार्ड दिए, सेम पिन मारे, वहाँ पे कोड एक्सेप्ट कर लिया। फिर आके हम लोग अब बर्गर के में ऑर्डर दे दिए हैं। और तो फिर बर्गर किंग में ऑर्डर देने के बाद हम लोग का देखिए ये रिसिप्ट भी मिल गया हम लोग को। हम लोग को बोला अभी थोड़ा देर वेट करने और हम लोग अभी लेंगे मील और खाएंगे। गाइस लाइफ में पहली बार बर्गर किंग में जाके ऑर्डर दिए और हम लोग का बिल बना के दिया। आप देख सकते होंगे 218 रुपये का बिल बना के दिया। और खाने के हम लोग क्या देखते हैं, देखिए ये चिकन पॉपकॉर्न 4 पीस दे दिया है, इसको चिकन स्ट्रिप्स बोल के दिया है, और हाफ लीटर का पेप्सी दे दिया है और बिल बनाया है 218 रुपये का। मतलब एक तो अभी सीन इतना ख़राब है और इतना महंगाई में अगर आप ऐसे लूटिएगा इंसान को तो कैसे चलेगा। लेकिन जो ऑर्डर दे दिया उसको खाना होगा। तो वैसे चलिए खाते पीते हैं और आगे सीन आप लोगों को दिखाते हैं क्या है। अगर साउथ सिटी मॉल आना है तो साउथ सिटी मॉल आने का सबसे बेस्ट रूट है, अगर आप मेट्रो से आ रहे हैं तो आप रविंद्र सरोवर उतर जाएं, वहाँ से एक ऑटो ले ले आप आ सकते हैं, या फिर उबर अगर वगैरह आप कर रहे हैं तो डेस्टिनेशन डाल के आ सकते हैं। और अगर आप बाइक से आ रहे हैं तो जादवपुर वाला रोड पकड़िएगा इस प्लानट की तरफ से, तो आप प्रिंस एंड वर्सा होकर जादवपुर घुसिएगा। तो आपको देखिएगा राइट हैंड साइड में ये साउथ सिटी मॉल पड़ता है। और ये गाइस ये मॉल का मतलब मैं फ़र्स्ट टाइम तो नहीं आया, मैं सेकंड या थर्ड टाइम आया हूँ, लेकिन फ़र्स्ट टाइम नोटिस किया कि ये मॉल इतना बड़ा है
और अभी मैंने गूगल करके भी देखा तो ये अराउंड आपका 1 लाख स्क्वायर फीट में मॉल है। तो भाई आप मतलब सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा मॉल है और काफ़ी खूबसूरत मॉल है। आपको, आप भी अगर कलकत्ता में रहते हैं तो आपको भी एक बार आके देखना चाहिए, या फिर अगर कलकत्ता के बाहर है तो जब कलकत्ता है तो एक बार आके ज़रूर देखिए कि ये मॉल कैसा है। काफ़ी अच्छा मॉल है, आपको एक बार आना चाहिए। तो गाइस हमको बहुत भूख लगा हुआ था और आके सबसे पहले हम लोग फूड कोर्ट में आके खा लिया बर्गर किंग में। खाने के बाद बहुत ही मूड ख़राब हो गया है, लेकिन गाइस थोड़ी हटाइए उसको, आइए हम लोग मॉल घूमते हैं, मॉल घूमते हैं। तो गाइस आप देख सकते हैं कि अभी भी अराउंड टाइम हो रहा है आपका 4 बज रहा है, लेकिन मॉल में बिल्कुल भीड़ नहीं है, जो कि यह बहुत अच्छा चीज़ है। तो और आप अगर आ रहे हैं मॉल तो आपको क्राउडेड बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तिनी पनौती है, क्योंकि पहले तो आया मैं मॉल, आकर फूड कोर्ट में गया तो वहाँ सबसे पहले मूड ख़राब हो गया। उसके बाद जैसे फूड कोर्ट से निकला सोचे वीडियो कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे सीन ऐसा हुआ कि मैं जैसे फूड कोर्ट से निकला थोड़ा सा व्लॉग बनाया। व्लॉग बनाने के बाद एक मुझे लेडी सिक्योरिटी बुलाती हैं, बुलाने के बाद बोलती है कि आप वीडियो क्यों बना रहे हो। मैं बोला कि मैं तो कुछ मॉल को नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो अपना बस पर्सनल बना रहा हूँ व्लॉग, क्योंकि अगर मॉल को हाईलाइट करता फिर आप लोग को प्रॉब्लम होना चाहिए, लेकिन मैं तो मॉल का वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं तो पर्सनल व्लॉग बना रहा हूँ, तो आप लोगों को फिर क्या प्रॉब्लम है। तो उन्होंने बोला कि आप सारा वीडियो डिलीट करो, तो मैं बोला नहीं करूँगा मैं डिलीट। तो मुझे फिर वो सिक्योरिटी रूम मैनेजर वगैरह के पास ले के गई, वहाँ बैठने के बाद बोला कि आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। तो मैं बोला मैं अपना व्लॉग बना रहा हूँ, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है इससे, मैं हर जगह जाके बनाता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं 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 आप डिलीट करो। मैं बोला ठीक है मैं और वीडियो नहीं करूँगा, लेकिन मैं जो वीडियो किया हूँ उसको भी डिलीट नहीं करूँगा। तो आज का शायद कई दिन ही ख़राब था इसी वजह से, और मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं करूँगा, और अगर दिल करेगा तो ये ब्लॉग अपलोड करूँगा, और नहीं दिल करेगा तो नहीं करूँगा। तो कई मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, अब हम जा रहे हैं घर। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।